इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सपने में भी हकीकत का मजा ले रहे हैं, और दूसरे वो जो हकीकत को भी सपना देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, समय की एक बहुत गंदी आदत है कि ये कभी भी बदल जाता है। अरे दीदी, प्रणाम दे रहे, रख लीजिए हमारा। भैया, दीदी आई है। कौन आई है? दीदी दीदी, दांत क्या दिखाया जा रहा है? बैग पकड़ और हट पीछे। जोगिंदर, जोगिंदर। दीदी, इतनी सुबह सुबह बिना कॉल टेक्स के तुम घर पे क्या कर रही हो? ये क्या 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 रिएक्शन था ये? यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए मुझे फोन करना पड़ेगा पहले। ये कौन है बेबी? है बेबी, ये लड़की कौन है और तेरे रूम में क्या कर रही है? ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन? ये मोंटू की गर्लफ्रेंड है मेरी। और ये भी मोंटू का कमरा था। मैं मोंटू को ढूंढने गया हुआ था, लेकिन इसको लगा कि तू साले गलती से मेरे कमरे में क्यों चला गया था। दीदी आप थक गई होगी, चलो चल के पानी पी लो। नहीं, पहले एक बात बता, इसने तुझे बेबी क्यों बोला? तूने मुझे बेबी क्यों बोला? इसने मुझे बेबी क्यों बोला? हाँ, याद आ गया, इसका छोटा भाई है, उसका नाम बेबी है। उसकी शक्ल मुझसे मिलती तो ये कभी कभी मुझ में अपना भाई देखने लग जाती है। दीदी इन सब बातों में क्या रखा है? और दीदी आई हुई है, पानी नहीं पूछ रहा थी। दीदी चलो सोफे पे बैठो। अरे छोड़ सब, सोफे पे बैठो, चलो चलो। अरे चलो ना। ये अंदर क्या रायता फैलाया तूने? मेरे को थोड़ी पता था कि दीदी आने वाली है, और सब कुछ फ्लो में हो गया यार। रायता फैल चुका है, हमें संभालना है। दो दिन के लिए तुम लोगों को बंदा बंदी की तरह एक्ट करना पड़ेगा। क्या बोला तूने? बंदा बंदी? और हम दोनों? अबे पागल हो गया क्या तू? भाई दो मिनट ना चलूं मैं इसको। हाँ, ब्रेकअप से पहले तो मेरे पीछे कुत्तों की तरह घूमता था लड़का। अरे तो इंसान से तो गलतियां होती है। हो गई गलती, गोल्ड डिगर कहीं की। क्या समझा लो इसे, लिमिट क्रॉस कर रही है अपनी। भाई आराम से बात करो ना, क्यों चिल्ला रहे हो, मोहल्ले को क्यों सुना रहे हो? देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। ये गोल्डिगर है, गोल्डिगर थी, गोल्डिगर आई। हराम ज़्यादा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तेरा दोनों का मुक्का मारूंगा मैं। तब से बोले जा रहा हूँ, नहीं सुन रहा। तुम लोग मिलने इतना नहीं कर सकते। और तू बे मोंटू, चड्डी पड्डी बे दोस्त बोलता है ना मेरे को, दो दिन के लिए नहीं बन सकता तू इसका बंदा। तेरे लिए सिर्फ दो दिन, सिर्फ दो दिन। बेबी बेबी यार, तुमको पता है ना अभी घर पे नहीं बता सकता हमारे सीन के बारे में। दो दिन के लिए बेबी प्लीज। दो दिन, वो भी हमारे रिलेशन के लिए। वंदो इस भोंदू की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। तो तेरी शक्ल कौन देखना चाहता है? हैं? मैं तो बस इस सुअर के लिए कर रहा हूं। अब भोंदू किसको बोला रहे इसने? भगवान हो ना, संभाल लेना। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों के रिलेशन को कितना टाइम हुआ? तीन साल, दो साल। मैं बताता हूँ। वो क्या है ना कि अपना जो मोंटी है ना, वो इसको एक साल पहले से लाइक करता था, तो मोंटी के लिए तीन साल और प्रिया के लिए दो साल। लेकिन आप दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। ये क्या बोल रहा है? अरे पागल है ये, पैचअप हो गया इनका। दीदी आप एक बात बताओ, कौन से रिश्ते में लड़ाई नहीं होती है, है ना? बहुत प्यार है दोनों में। हाथ पकड़ो, चलो दोनों एक दूसरे का पकड़ो ना हाथ। देखो राम सीता की जोड़ी नहीं लग रही इनकी। आप चाय पियो, आप सब छोड़ो, आप चाय पियो। मैक्स बेटा किचन में आना, बात करनी है। जी भैया। देखो मैक्स, हम ना तुमको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, क्या हम तुमको एक बात बता सकते हैं? हाँ बोलो भैया। और भरोसा कैसे करें कि तुम वो बात दीदी को नहीं जाके बताओगे? कैसी बात कर रहे हो भैया, आपका नमक खाए हैं, धोखाधड़ी थोड़ी करेंगे। अबे ये प्रिया नहीं है, आपको धोखा देके मोंटू के साथ फिर से रिलेशन में आ गई। क्या बात कर रहे हो भैया? भैया ये लड़की ना शुरू से ही मुझे थाली में रखे बैंगन की तरह लगती थी, कहीं भी डुल जाती थी। सुनो, भावुक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो। ये बात तुम दीदी को नहीं बताओगे क्योंकि वो इतनी बड़ी बात सह नहीं पाएगी। मैं
सही कह रहे हो भैया, आपके पैसे के खाए हुए आटे की कसम खाता हूँ, दीदी को कुछ नहीं बताऊंगा। सवास मैक्स, तुमसे यही उम्मीद थी, जाके काम करो। भैया अब तो हमारा पगार बढ़ जाएगा ना। तुमको हर महीने तो पगार बढ़ा के देते हैं, फिर क्यों बढ़ाए? और दूसरी बात, अगर हम तुमको पगार देते हैं तो कहीं पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? जैसे अब देखो, हम तो अपना एडिशनल इनकम का सोर्स खोल लिए, हम बिनोमो पे ट्रेडिंग करके एडिशनल इनकम बना लेते हैं। बिनोमो? तुमको बिनोमो नहीं पता? देखो बिनोमो ना एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है और एक एडिशनल इनकम सोर्स है रोज के छोटे मोटे खर्चों के लिए। बिनोमो के 2 मिलियन से ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं इंडिया में। यहाँ हम बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गूगल या अमेजॉन हो गया, और पैसा कमा सकते हैं। बस टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है और प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। मतलब हम समझाते हैं, हम ट्रेड करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम असेट सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारा प्रिडिक्शन कहता है कि वैल्यू अप जाएगी, तो यहाँ पे 1500 रुपये का अपग्रेड लगा कर छोड़ देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, ये देखो हमारा प्रिडिक्शन सही निकला और पैसे जीत गए। वाह भैया, ये तो बढ़िया है। भैया पैसा फंसेगा तो नहीं ना? अब इस पे विड्रॉल बहुत इजी है, तुम 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए का है, और अभी हमारे दिए हुए कूपन कोड से करोगे तो तुमको 700 रुपए का इनिशियल बेनिफिट मिलेगा। और तो और जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है ना, वहाँ से जाके अभी साइन अप करेगा तो तुझे तेरे डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज मिलेंगे, जिससे तू ट्रेडिंग के नए तरीके सीख सकता है और अपनी ट्रेडिंग की टेक्निक बेटर कर सकता है। अब देखो हम तो बिनोमिस्ट बन गए, तुम भी कहते हैं अभी के अभी ज्वाइन करके बन जाओ। अभी करते हैं भैया। सुनो हम जा रहे हैं, हमको एक नींबू पानी बना के ले आना, ठीक है? जी भैया अभी लाते हैं। जोगिंदर। दीदी पहली बात, मेरा नाम जॉनी है, यहाँ पे जोगिंदर मत बोला करो। ऐसा है, तेरा नाम ना जोगिंदर है, मैं तुझे जोगिंदर ही बोलूंगी। जॉनी यार। अच्छा एक बात सुन, तेरा जो ये फ्रेंड है ना मोंटी और ये प्रिया, मुझे नहीं लगता इनके बीच में कुछ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे नहीं लगता बस, और अगर कुछ है भी ना तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुमको ना बहुत ज्यादा लगता है, इनके बीच कुछ है और कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, पूरे 2 दिन। 2 दिन? क्या मतलब? हटाओ यार, बात ही नहीं करनी तुमसे। तू क्या इतना फैल रहा है? अजीब ही लड़का है। मम्मी का मैसेज। ओहो देख तो ये फोटो कैसी लगी। फोटो तो बड़ी अच्छी है, लड़की कौन है? तेरे होने वाली बीवी। अच्छा चीख क्यों रहा है? पापा मम्मी ने तेरी शादी तय कर दी है इसके साथ। मेरी शादी तय कर दी है? हाँ? मुझसे तो नहीं पूछा। तुझसे पूछना जरूरी है क्या? मुझसे तो नहीं पूछा है। बढ़ाया। प्रिया तुम बताओ, पापा मम्मी ने ना ये जॉनी के लिए लड़की पसंद की है, कैसी लगी? अरे दीदी फोटो दिखाने की क्या जरूरत है, आखिर माँ बाप ने रिश्ता तय किया है, सही किया होगा, है ना? सुन लिया, उसको भी अच्छी लग रही है। अरे तुम चुप रहो यार, फोटो देखो। क्या चुप रहो, अजीब लड़का, जब देखो फैलता ही रहता है। सुन ऐसा सरकैज़म मारने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं देखा है रिश्ता। हाँ हाँ रिश्ता तो मेरे घर वालों ने फिक्स किया है ना। तो धीरे बोलना, मैंने हाँ थोड़ी बोली है। हाँ मतलब बाद में तुम हाँ बोल दोगे। अरे पागल कहीं की, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम मेरी दीदी की बात पे ना ज्यादा ध्यान मत दे। और प्यार अगर तुझसे करता हूँ ना, तो चाहे जान क्यों ना चली जाए, शादी भी तुझसे करूंगा मैं। पक्का ना? विश्वास नहीं मुझ पर? विश्वास तो पूरा है। भैया जी नींबू पानी। मैक्स लाए। चीटर कहीं की। क्या क्या बोला इसने? इसने कुछ नहीं बोला। नहीं मैंने अपने कानों से सुना, इसने चीटर बोला है। चीटर? नहीं हीटर बोला होगा। अबे तुम इतनी गर्म हो, तुम्हारे सामने खड़े रह के मुझे भी गर्मी लगने लगती, उसको भी लगने लगी होगी। साले को आइस क्यूब देखा तो। मैक्स। जॉनी। क्या हो गया? ये हमारे कमरे में क्या कर रहा है? हमारा कमरा? अजी दीदी के नजर में ना आज से मैं तेरा बॉयफ्रेंड, समझी क्या? ये रूम मेरा। लिमिट क्रॉस कर रहा है ये लड़का अपनी। अरे क्यों वॉल्यूम अप कर रहा, थोड़ी सी धीरे करके बात कर लो ना, पार्टी थी बैठी हुई है। हाँ 2 दिन की बात है, जैसे 2 साल तू मेरे लाइफ में कुंडली मार के बैठी थी, एकदम वैसे 2 दिन की बात है। बट बेबी एक साथ एक बेड पे, वो भी गंदे के साथ, ये तो नहाता तक का नहीं है। तुझे बोला मैंने सूंघने को बोला? अरे सुनो मैं सॉर्ट करता हूँ, बीच में तकिया लगा देंगे, तकिए उस साइड आप सो जाना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बताता हूँ, ये पूरे गद्दे पर ना मैं सोएगा और ये गद्दा लगा के नीचे सोएगी, ठीक? सॉर्टेड? बहुत हो रहा है, भाड़ में जाओ तुम दोनों। अरे तुम्हारी तो बोले थे यार। भगवान, इसने
प्रिया को पकड़ के सो रहा होता, दुख खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता है मैं? तू मेरे बिस्तर पे क्या कर रहा है भैया? हमने आपका लोनलीनेस दूर करने आए हैं। कौन सी लोनलीनेस? हमें पता है जब कोई छोड़ के जाता है तो कैसा लगता है। जब मुन्नी हमें छोड़ के किसी और की चुन्नी में लगी हुई थी तो हमको बहुत दुख हुआ था, तब तो हमारे साथ कोई नहीं था। लेकिन आपके साथ हम हैं, जैसे वो लोग छुआछूत कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। मतलब लूडो खेल लेते हैं। तू साले लेट के ना अकेला लूडो खेल, मैं चला अपनी गोती बचाने। भैया तो सो रहे है, मेरा पागल दिमाग भी क्या क्या सोचता रहता है। तू इन दोनों के कमरे में इस टाइम क्या कर रहा है भाई? मैं इनके कमरे में चार्जर, वो मेरा पतली पिन वाला चार्जर है ना, तो इनके कमरे में देखने आया था। नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सामने से हट। अरे हट ना, ये दोनों ऊपर नीचे क्यों सो रहे हैं? ऊपर नीचे सो रहे? हाँ यार, ये तो ऊपर नीचे सो रहा है। हाँ क्या पता लड़ाई हो गई हो। अब देखो रिश्ता है, रिश्ते में ब्रेकअप पैचअप, छोटी मोटी लड़ाइयां नोकझोंक तो चलती रहती है ना। देख जोगिंदर, मैं तुझे बता रही हूँ इन दोनों के बीच ना कुछ सही नहीं चल रहा है। तेरा क्या लेना देना है, तू जाके अपना सोना। तू रायता वायता का फैलता रहता है हर टाइम। बड़ाई जीने जीने, खुद तो सोता नहीं है। जा रही हूँ, पानी पीने आई थी बस। हाँ जा। मैंने बोला था ना सीएसके पे सट्टा लगा ले, जीतेंगे। क्या कर रही हो दी? भाई जैसा है। एक बात बता, वो जो लड़की प्रिया है तो उससे प्यार व्यार भी करता है या केवल ढोंग ही किया जा रहा है? सच में प्यार करता हूँ दीदी, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सीरियस उसको लेके, इसने ना अपने घर पे भी बता दिया उसके बारे में। हाँ दी, घर पे भी बता दिया मैंने। चलो भाई, कोई तो है जो ऐसा है, पर आजकल के लड़कों का क्या है, टाइम पास करते हैं और चलते बनते हैं। अपना नाम मोंटू ऐसा नहीं है दी। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। क्या सब? यही जो चल रहा है साले, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। बात हुई थी ना दो दिन की, दोस्त नहीं यार, प्लीज। दोस्त हूँ और दोस्ती निभा भी रहा हूँ। साले तेरे जैसा दोस्त ना भगवान दुश्मन को भी ना दे। जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता था उसको तो अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तूने। अब उसी लड़की से जब इतनी सारी नफरत कर रहा हूं तो वापस से तू उसको मेरी गर्लफ्रेंड बना रहा है। साले नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। सुअर कहीं का नरक। सुन, नरक की ना मैं खुद देख लूंगा, तू बस अभी का मैटर संभाल ले। और एक बात बता, तू इतनी भड़क क्यों पालता है छोटी छोटी बातों पे? तेरे बाप की क्या प्रॉपर्टी लूट ली है मैंने? अबे हट ना यार, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है तुझे क्या मतलब यार? अरे जब तू बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? बता अभी, सॉल्व कर। क्या बताऊं तुझे? नहीं कर पाएगा, तू नहीं समझेगा। अरे तू बता तो। अरे नहीं समझेगा यार। हां तू भाड़ में जा, मत बता। भाड़ में जा तू भी। स्टैंड डाउन, जा खोल। मैं नहीं, देखें जाके तू जाके खोल। हां तो साले खाने का कुछ आया होगा ना, तो मैं नहीं दूंगा। मजा आया ना? अब सोचो गेट पर कौन आया होगा, क्या भसड़ होने वाली है। एक्साइटमेंट है ना? मेरे को भी इतनी एक्साइटमेंट है। पर गाइस सबसे पहले ना उससे 70,000 लाइक्स का एम रख रहा हूँ। 70,000 लाइक्स कर दो, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और कमेंट करके प्लीज बताओ कि आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा वीडियो में। और आखिरी चीज भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ जमा कर रखा है, मेरे को डालना है। ठीक है, अगले पार्ट के साथ मिलते हैं 70,000 लाइक्स के बाद। लव यू गाइस। जा घंटी खोल, देख। जाके देख मेरा दिमाग कहाँ खड़ा हुआ है। जाके दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलूंगा, दिमाग की दही हुई जाए तू खोल। अच्छा, गांड खोल के गाली दे सकता है पर दरवाजा नहीं खोल सकता। अरे यार, Ten years later.
अच्छा।